जैसे मेरे घर वाले को उन्होंने मारा है मतलब जैसे कुछ भी है उसका बदला मेरा बेटा ले क्या लौट आया है दीपू एक नन्हे बच्चे की शक्ल में इसका बच्चा है चाचू का बच्चा है दीपू का मुड़ा आया असे उदा सारा हो जाना और असे उसे दिखे दिखे भी जी सकते उन्नी कड़ा वापस नहीं आना और अपने उदा बदला हो पे चीता जिसला मेरा भ्रा डीपू जीता हा तो साड़ी पूरी फैमिली चला सत्तर अस परिवार सारे चला है मरने बा भी द्रौलती सारा कुछ हो सारा कुछ चला है असा डीपू का मुड़ा हो मतलब अस सोचे मतलब। जी सी दीप समझिए ये सतलब जी हाँ हम बात कर रहे हैं उस डीपो की जो पिछले आठ दिन पहले श्रीनगर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आंतकियों की कारायना हरकत का शिकार हुआ था और उसके बाद घर की बात करें तो पूरे घर में मातम गया था लेकिन लड़की न उठाया आज उस घर में एक बच्चे की किलकारी ने जन्म लिया है घर में कमाने वाला कोई नहीं था इकलौता दीपू ही अपने घर के परिवार के लोगों का पूरा पालन पोषण कर रहा था घर के लगभग सात लोगों को दीपू का सहारा था अब उसके चले जाने के बाद उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती थी और अभी दो चार दिन पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया है और घर में एक आंस बदी है कि अब शायद दीपू जो है वो वापिस लौट आया है अगर दीपू की बात करें तो जब वह जीवित थे तो तब इसी परिवार के लिए श्रीनगर में गए थे उस सर्कस में काम कर रहे थे घर की रोजी रोटी के लिए ही वह घर से दूर गए थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उसके बाद भी उसके बाद भी अब लोग उन्हीं के नाम पर इनके परिवार की वो जो मदद कर रहे हैं इसे शायद कोई बुला सकेगा जन्म लिया है दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है मैं वरुण शर्मा हम बात कर रहे हैं उस दीपू की जिसे आंतकियों ने अपनी गोलियों का शिकार बनाया एक मासूम एक निर्दोष था दीपू लेकिन घर की बात करें तो घर की जो हालत थी वो काफ़ी बुरी थी घर में कमाने वाला कोई नहीं था इकलौता दीपू ही अपने घर के परिवार के लोगों का पूरा पालन पोषण कर रहा था घर के लगभग सात लोगों को दीपू का सहारा था अब उसके चले जाने के बाद उसकी जो पत्नी है वो गर्भवती थी और अभी दो चार दिन पहले उसने एक बेटे को जन्म दिया है और एक घर में एक आंस बदी है कि अब शायद दीपू जो है वो वापस लौट आया है हम इस समय उनके घर में मौजूद हैं हम आप पहले आपको जरूर सुनाएंगे कि दीपू की जो धर्म पत्नी है वो क्या कहती हैं इस मौके पर देखो एक मेरे घर में तो खुशी की बात भी है और एक दुख की बात भी है क्योंकि तो मेरे घर पे लड़का हुआ मेरा बेटा हुआ है तो मैं ये मतलब बोलना चाहूँगी सरकार से सरकार भी हमारी हेल्प कर रही है बहुत ज्यादा कर रही है पूरी मतलब सरकार हमारी हेल्प कर रही है जो बाहर के लोग है वो भी हमारी हेल्प कर रही है यहाँ पे हादसा हुआ है मतलब जैसे मतलब हमेरे घर वाले के साथ में हुआ है तो आगे सरकार को थोड़ी मतलब सख्ती देनी चाहिए उनको मतलब सख्ती होनी चाहिए आज ये हमारे घर पे हुआ है कल किसी के घर पे भी हो सकता है ऐसा हादसा मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी आगे मतलब कुछ मतलब नौकरी उसको मिले मतलब आर्मी में नौकरी मिले या फिर पुलिस में किसी भी में हो भर्ती हो उसमें हो नौकरी मिले उसको जैसे मेरे घर वाले को उन्होंने मारा है मतलब जैसे कुछ भी है उसका बदला मेरा बेटा ले ऐसे मेरे घर वाले थे पूरी फैमिली को चलाते थे हमारे घर को चलाते थे मतलब तो अगर वो नहीं है तो अगर हम कैसे अपनी फैमिली चलाएंगे आगे अब हमें कल बच्चा भी हमारा अपना पढ़ाना है उनकी उनकी देखभाल करनी है तो हम वो कैसे कर पाएंगे हम अब मुझे मेरे मेरे बेटे का ही सहारा है जो चलो अब वो नहीं रहे तो मैं इनको ही अपने बेटे को ही देख के अपना टाइम पास करती हूँ और इनको ही देख के मैं अपना मतलब जो भी है चलो जो भी है इनको देख के मैं अपना मतलब पूरी जो भी आगे इनकी ख्वाहिश है पूरी इनके देख के करती हूँ इनको तो आपने सुना कि क्या कहा दीपू की पत्नी ने उनका कहना है कि वह अपने बेटे को बेल्ट फोर्स यानी कि ये पुलिस या आर्मी में भेजना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि इन आतंकियों को भी उनका बेटा जो है मुँह तोड़ जवाब दे और वैसे ही बदला ले जैसे इनके पिताजी के साथ हुआ है उसके बाद परिवार जो है वो अभी भी सदमे है, में है लेकिन एक छोटी सी खुशी हम कहेंगे जो घर में लौट आई है अभी सुनाते हैं कि क्या कहती हैं दीपू की माता जी और क्या कहते हैं दीपू के भाई

भेजया भगवान ने भेजा वापस दीपू ਦਾ ਕਰ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਦੀ ਐ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਦਦ ਕਰਾਦੀ ਐ ਸਭ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਦੀ ਐ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਗਰੀਆ ਸ਼ੁਗਰੀਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਦੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਯਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਆਹੇ ਜੋ ਦੇਪੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਆਸੇ ਉਸੇ ਦਿੱਖੀ ਦਿੱਖੀ ਵੀ ਜੀ ਸਰ ਉਹਨੇ ਕੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋਪੇ ਚੀਤਾ ਅਗਰ ਵਾਧੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੀਪੂ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਮੇਰੇ ਦੀਪੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀਪੂ ਦਾ ਮੁੜਾ ਆਇਆ ਆ ਸੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੇ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਦੀ ਹੈ ਸਭ ਕਰਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲੈ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਜੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੀਪੂਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਵੀ ਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰਾਦੇ ਆ ਆਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਆ ਮਗਰ ਬੱਚਾ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਜਾਨੇ ਦਾ ਦੀਪੂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਪੂਜਿੰਦਾ ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਲੀ ਚਲਾਦਾ ਹਾ ਸੱਤ ਵਿਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਚਲਾਦਾ ਹਾ ਮਰਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਰੁਲਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਆ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਲਾਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪੂ ਦਾ ਮੂੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜੇ ਇਹ ਇਹ ਸੜਾ एक दीपू समझी आई सा मतलब अगे नुड़े लेखा ही होगा हमदर्दी है भी जा पुलिस जाग बड़ा हो गया ज फौज जाग जो मतलब उग्रवादियों भ्रा कीता है यह भी उन्दा, नोड़ा ना बदला लग तो सुना कि क्या कहा दीपू की माता ने क्या कहा उनकी पत्नी ने और क्या कहा उनके भाई ने अगर पिताजी की बात करें तो आज सुनने में आ रहा है कि उनके पिताजी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए उन्हें एक आँखों का ऑपरेशन करवाने के लिए रोटरी हॉस्पिटल उधमपुर में कोई समाज सेविक लोग हैं वो लेके गए हैं और उनका ऑपरेशन भी सुनने में आया कि हो गया है उसी के साथ ये परिवार जो है ये उन लोगों का तह दिल से धन्यवाद कर रहा है जिन लोगों ने इनकी मदद की है इस दुख भरी घड़ी में ये लोग जो हैं वो इनके काम आए हैं उन्होंने जिस किसी से जितना बन सकता था उतनी इनकी हेल्प की है अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने भी सुनने में आया कि काफ़ी हेल्प की जा रही है इनको घर बनाने की बात की जा रही है अगर दीपू की पत्नी की पेंशन की बात की जाए दीपू के पिता की पेंशन की बात की जाए उसके भाई की पेंशन की बात की जाए तो वो भी लगवाई जा रही है और हम चाहते हैं कि सरकार और मदद करे ताकि ये परिवार जो है ये उस सदमे को भूल सके भूलना आसान नहीं है लेकिन फिर भी एक कोशिश हो रहेगी और आगे ज़िंदगी जो है वो जी सके दीपू का बेटा अभी स्कूल जाएगा और भी काफ़ी कार्य होंगे वह भी अच्छे से कर सके हम भी चाहते हैं कि और मदद इन लोगों की की जाए फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत नमस्कार